तो नमस्ते दोस्तों, आप चुके हैं ओम जी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे नागपुर आया था इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने एक स्टॉल देखा, तो फिर मैं यहाँ पे एक अपने भैया से मिला। फिर आज मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो नमस्ते, आप जैसे कि आपने यहाँ पे सैनिटाइजर, और मैं आपको बता दूँ इनका स्टेट नागपुर है, और ये स्टेट के अंदर नंबर वन आया है। यहाँ पे जितने लोग हैं वो स्टेट के नंबर वन आए, फिर वो आए हैं। तो फिर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप बताइए अपने एक्सपेरिमेंट। मैंने सैनिटाइजर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, तो बेसिकली मैंने दो एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने पीएच टेस्ट किया, हाथ में अल्कोहल पीएच सैनिटाइजर अप्लाई करने के बाद उनका पीएच निकाला पीएच पेपर से। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने लैक्टोबैसिलस का वायबिलिटी निकाला सैनिटाइजर्स अप्लाई करने पर। तो पहले एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि जो अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे सैनिटाइजर्स तो हाथों में इफेक्ट दिखेगा, हमारा जो पीएच है हाथ का वो फ्लक्चुएट करेगा, और उससे हमारे हाथों में बहुत डिजीज भी हो सकता है। और सेकंड एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि जो सैनिटाइजर्स विदाउट ग्लिसरीन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है सैनिटाइजर्स विद ग्लिसरीन से, लेकिन सैनिटाइजर्स विदाउट ग्लिसरीन हमारे हाथों को इफेक्ट भी करता है, क्योंकि वो ड्राइनेस भी ला देता है और फंगस भी हो सकता है। इसीलिए हमें सिर्फ उसे यूज़ करना है हॉस्पिटल्स और लैब्स जहाँ पे माइक्रोब्स ज़्यादा है, और डेली यूज़ के लिए हमें सिर्फ सैनिटाइजर्स विद ग्लिसरीन यूज़ करना है। यही मेरा प्रोजेक्ट, थैंक यू। तो जैसे कि इन्होंने मुझे बताया कि सैनिटाइज़र का, जैसे कि बताया कि सैनिटाइज़र को हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हाथ ड्राई हो जाता है, और अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हाथों में फंगस भी लग सकती है। तो फिर आपने जैसे कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स बताए, तो आप बता सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे टाइप ऑफ। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसमें दो फेजेस है। पहले फेज में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स का हैंड स्पैन का एरिया निकाला, और फिर हैंड स्पैन का एरिया निकाल के उनसे तीन ग्रुप्स बनाए, उनके हैंड स्पैन सेम थे। ये यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखे हैं तीनों ग्रुप्स के। और फिर जो सेकेंड फेज में हमने मेजरिंग सिलेंडर में 2 ml के दोनों सैनिटाइजर्स और फिर वाटर रखा, उन तीनों को हमने सारे ग्रुप्स में उनके हाथों में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 10 मिनट के इंटरवल्स में हमने उनके सैंपल्स लिए, सैंपल्स लेके उस पर पीएच टेस्ट किया। पीएच टेस्ट करने के बाद ये हमारे वैल्यूज हैं। और फिर जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने एक कल्चर मीडिया लिया ब्लड अगर वाला, उस पर हमने लैक्टोबैसिलस को ग्रो किया लॉन कल्चर करके, फिर उसको हम इनक्यूबेट किया 24 घंटे के लिए। फिर हमने उनके स्लाइड्स निकाले, ये फोटो है उन स्लाइड्स के। फिर 1 ml करके पानी और दोनों सैनिटाइजर्स को हम उस पर अप्लाई किया। करने के बाद फिर से उनको इनक्यूबेट किया 24 घंटे के लिए। फिर एक जोन ऑफ इनहिबिशन दिखा, उसको उसके मेजरमेंट्स यहाँ पे है। तो यह है तीनों के मेथोडोलॉजीज। तो दोस्तों, जैसे कि बताया कि तीन लोगों को भैया ने लिया था ताकि उनका एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो फिर आपको इतना पता चला, जैसे कि हम, और ये भी बताया कि हमें हॉस्पिटल में अगर हमें कुछ हो गया तो उसकी बात अलग है, उसमें हम कर सकते हैं ज़्यादा यूज़, पर वैसे नहीं करना क्योंकि ऐसे करने से हमारा हार्ट ड्राई भी हो जाता है और हाथ के अंदर फंगस पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको भी इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, हाँ एक मिनट अंकल जी, जैसे कि भैया ने मुझे इतनी सारी चीज़ें बताई, तो फिर आपको कैसा लगता है? एक्चुअली
जो सैनिटाइजर मिलता है ना वो ज़्यादा यूज करना ठीक नहीं है, जितने कम यूज करता है उसमें अच्छा होगा। तो फिर हम कैसे हाथ को जो जर्म है उसका रिमूव करना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश यूज करने से अच्छा होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब लोगों को वाली वीडियो शेयर करें ताकि सब लोगों को सारी वीडियो पता चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।